सो एंजाइम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके देखेंगे और लर्न करेंगे. सो वन ऑफ लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, गेट एक्सेल का क्वेश्चन है ये 2018 बायोकेमिस्ट्री का. द सबस्ट्रेट सेचुरेशन प्रोफाइल ऑफ एन एंजाइम दैट फॉलोज द माइकलिस मेंशन काइनेटिक्स इज डिपिक्टेड इन द फिगर. व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन 0.8 to 0.4. अब इस चीज को आप देखेंगे, ये ग्राफ दिया हुआ है. अगर आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, 0.8 से 0.1.4 मोलर के बीच में आपको चेक करना है कि ऑर्डर क्या होगा. तो देखिएगा, द सबस्ट्रेट सेचुरेशन प्रोफाइल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये चेक करने को बोल रहे हैं 0.8 से लेके 1.4 के बीच में. जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो देखिए 0.8 यहाँ पे है, 0.8 जो है आपका यहाँ पे पाया जा रहा है, और 0.4 जो है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, हियर दिस वन. इनके बीच में अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है, और ये ग्राफ आपको नियरली कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल. कैसा है ये ग्राफ आपको जो मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल मिल रहा है. हॉरिजॉन्टल का मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ये वैल्यू जो है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल नॉट चेंज. ऑलमोस्ट 30 है यहाँ पे भी, चाहे वो 0.8 पे भी हो, चाहे वो 1.4 हो, ऑलमोस्ट 30 के आसपास है. मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद द सबस्ट्रेट. तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, एस के पावर जीरो. मतलब आप सबस्ट्रेट बढ़ा भी लिया तो भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंड देयर शुड बी द जीरो ऑर्डर. ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर इंडिपेंडेंट हो गया. जीरो ऑर्डर इंडिपेंडेंट हो गया मतलब जीरो ऑर्डर हो गया, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, 0.8 से 1.4 कर भी दिया लेकिन वेलोसिटी अभी भी उतनी रही. अगर ये बात हम पूछते 0.2 यहाँ पे लेके यहाँ तक पहुँचते 0.8 के लिए, तो देखिए 0.2 से 0.8 में ये 5 से 30 की तरफ जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है, हाइपरबोलिक इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग. और अगर ऑर्डर की बात करते तो जनरली जो होता है फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज द केस, क्योंकि यहाँ पे जो है V इज इक्वल टू वी मैक्स इन टू एस के एम प्लस एस. इसमें एस की पावर अगर बात की जाए तो 1 है, तो देयर शुड बी ऑर्डर दैट इज फर्स्ट. ठीक है, तो ये केस यहां के रेंज में आता है, और इसमें जो है दिस शुड बी द जीरो ऑर्डर. ठीक है, चलिए ग्रेट. नाउ आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक्सेल बायोकेमिस्ट्री का 2018 का क्वेश्चन. एन एंजाइम फॉलोज माइकलिस मेंशन काइनेटिक्स विद द सबस्ट्रेट. द फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, द फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 4 km. तो मैक्सिमम वेलोसिटी के फ्रैक्शंस के ऊपर बात की जा रही है. के एम इज ए माइकलिस मेंशन कांस्टेंट. यू नो दैट वी इज इक्वल टू वी मैक्स इनटू एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस. अगर फॉर्मूला आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है. वी इज इक्वल टू वी मैक्स, अभी मैंने बताया, इनटू एस के एम प्लस एस. ये फॉर्मूला यूज होता है जब इसमें वी मैक्स के ऊपर बात करते हैं. तो वी मैक्स क्या है यहाँ पे, इसी के फ्रैक्शन में आपको पता करना है. एस की जगह 4 km रखो, वी मैक्स रखिया, एक्स की जगह 4 km, नीचे दिस इज के एम एंड दिस इज 4 km, के एम प्लस 4 km विल बी 5 km. तो वी मैक्स ऊपर था ही था, ये था 4 km ऊपर, नीचे हो जाएगा 5 km. के एम से के एम कैंसिल, 4 / 5 सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 0.8. ये जो हो जाएगा, 1 decimal प्लेस के ऊपर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 वी मैक्स हो जाए. वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. बहुत ईजी एंजाइम से रिलेटेड आ रहे हैं. अगेन उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, सेम एक्सेल 2017 बायोकेमिस्ट्री. एन एंजाइम इज कैटेलाइज्ड इन द इनिशियल वेलोसिटी, द एंजाइम इज कैटेलाइज्ड, इनिशियल वेलोसिटी इज 1 only 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज 3 × 10⁻³ मिलीमोलर. वैल्यू ऑफ के एम इन माइक्रोमोलर विल बी. अगेन अगर आपको पता है कि V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस होता है, ठीक है, या इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जाता है, वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस. ये
इस इक्वेशन को जब मॉड्यूलेट करते हैं, सो दिस इज सिंपली यू कैन राइट इट, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को नॉर्मली यहाँ पे दिखाया गया है, इस इक्वेशन को अगर सिंपली लिखना चाहे, इसको मॉड्यूलेट करते तो s जो हो जाता है s इज इक्वल टू वी लाइक के एम, इसको जब सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल अपॉन वी मैक्स माइनस वी। ये इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है सबस्ट्रेट और KM को करने के सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो नाउ ये इक्वेशन आपको ध्यान होना चाहिए, दोनों के दोनों इक्वेशन exactly substrate concentration is given, that is 3 milli micromolar या 3 × 10⁻³ millimolar, and millimolar में पूछा तो ये value रखना है, v is 1/4 v max, v से जब s की तरफ जाते हैं तो ये formula v into km v max upon v, now km is equal to s into v max upon v divided by v, तो जब इसको km को solve करोगे तो km actually में क्या हो जाता है, that s is equal to v max minus v divided by that is v, दिस इज द फॉर्मुला ऑफ के एम इन टू द सबस्ट्रेट टर्म। तो इस टर्म में जब हम बात करते हैं तो ध्यान देना कि इसमें क्या है कि v इज इक्वल टू 0.25 v max, पुट द वैल्यू हियर, यहां पे वैल्यू पुट करना है, के एम को रखना है, s की वैल्यू जो हो गई माइक्रोमोलर में निकालना है या मिलीमोलर में, देखिए माइक्रोमोलर में निकालना है, ठीक है, दे हैव आस्क इन द माइक्रोमोलर नॉट मिलीमोलर, तो इसी वजह से यहाँ पे 3 को माइक्रोमोलर में कन्वर्ट किया गया है, अगर किसी भी मिली को माइक्रो में लेके जा रहे हैं छोटे यूनिट में तो 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन होगा और ये वैल्यू 3 माइक्रोमोलर आ जाएगा, तो वह 3 माइक्रोमोलर रखा, इसके बाद वी मैक्स रखा, वी मैक्स तो ऐसे ही रहेगा, वी की वैल्यू 0.25 वी मैक्स रखा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, नीचे भी 0.25 वी मैक्स रखा, सॉल्व करोगे तो ऊपर 0.75 बचेगा, नीचे 0.25 सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग लगभग 3 माइक्रोमोलर इंटू 0.75 वी मैक्स डिवाइडेड बाय 0.25 वी मैक्स, वी मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.2575 डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, दैट शुड बी 9 माइक्रोमोलर, तो आंसर जो है KM का आ जाएगा 9 माइक्रोमोलर। सो दिस इज द केस यू कैन सॉल्व इट, इस तरीके से चीजें जो हैं आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला माइकलस मेंसन फॉर्मूले का कितना यूज हो सकता है आपको पता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गेट एक्सेल 2016 बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं। ये है के केट बाई के एम, जितना सॉल्व करोगे उतना ही एंजाइम की एफिशिएंसी को बता पाओगे। मैं चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि अगर कभी भी एंजाइम की एफिशिएंसी के बारे में बात की जाए, कभी भी एंजाइम एफिशिएंसी के बारे में बात की जाए, सो दैट इज ऑल अबाउट के केट बाई के एम, वो के केट बाई के एम से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसके ऊपर हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि दिस इज सबस्ट्रेट KM, KCAT, fluorofumarate, fumarate and chlorofumarate है। Specificity of the fumarate for the substrate decreasing in the order। सबसे अच्छी affinity क्या होगी वो decide करेगा KCAT by KM, ठीक है? वो decide करेगा KCAT by KM। तो KCAT by KM decide करेगा, तो calculate करो यहाँ पे पहले सीधे KCAT 27 और उसके बाद KM solve किया, this is 100। उसके बाद 800/5 160 एंड 20/111 दैट इज 0.18। सो फ्यूमरेट के लिए फ्यूमरेज सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, बिकॉज अगर इस ऑर्डर पे देखा जाए, इसको मैं रखता हूँ ए, इसको रखता हूँ बी, इसको रखता हूँ सी, तो ऑर्डर शुड बी बी देन उसके बाद ए देन उसके बाद सी। बी का मतलब है फ्यूमरेट, इसका मतलब है ए का मतलब है फ्लूरो, देन उसके बाद क्लोरो फ्यूमरेट। तो सबसे ज्यादा तो फ्यूमरेट है, फिर फ्लोरो फ्यूमरेट एंड देन क्लोरो फ्यूमरेट, एंड दैट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द सी वन, ये जो है यहाँ पे सी ऑप्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। सो यू कैन यूज इट एंड सॉल्व इन दिस वे, आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ अगेन दिस इज गेट एक्सेल केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन 2016। पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट करना है। आप पॉलीपेप्टाइड विद द अमीनो एसिड सिक्वेंस दिस वन वॉच द डिजॉल्व इन बफर विद द पीएच 1.8 प्री डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड हैव द नेट चार्ज। पीएच रखा गया है 1.8, मतलब यहाँ पे जो है आपके पास जो कोड बताया गया था, मैं कोड एक बार फिर से रिफाइन करूंगा, ध्यान देना जो कोड आपको बताया गया था उस कोड को रिफाइन करके मैं जल्दी ही भेजूंगा। तो इस कोड को क्या करना है कि आपको यूज करना है, जो मैंने आपको बताया था वो कोड यहाँ पे लगेगा RK+1, HRK+1, ठीक है, HRK+1। When you see here, अगर आप देखेंगे तो इसमें K कहाँ है, ये है, H कहाँ है, ये है, K कहाँ है, ये है, H कहाँ है, ये है,
मतलब एक प्लस वन यहाँ से, 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 ये चार प्लस वन और एक एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, एक प्लस वन यहाँ से, टोटल जो हो जाएगा देयर शुड बी द फाइव चार्जेस। पी एच लेस देन थ्री है तो एच आर के प्लस वन हो जाएगा, चार यहाँ से एक यहाँ से, टोटल प्लस फाइव, चार्ज विल बी द प्लस फाइव दिस वन। क्लियर है जी? चलिए, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इट वेरी इजिली विद द कोड ऑल्सो, और आराम से 1.5 पे प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे। अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पे हम बात करते हैं, देखिए गेट एक्सेल 2016 बायोकेमिस्ट्री, द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड दैट फॉर्म्स द ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स शोन बिलो। ठीक है, ये सीक्वेंस दिया है ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स का, 1, 11, 21, 31, 41। विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट पेप्टाइड मोस्ट लाइकली टू स्पैन द मेम्ब्रेन। स्पैन करने के लिए नाउ यू हैव टू यूज द सेल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। अगर मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को स्पैन करना है, जाना है, तो ये जो स्पैनिंग रीजन है, दिस वन, दिस स्पैनिंग रीजन मस्ट हैव द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। इसके पास नॉन पोलर अमीनो एसिड होने चाहिए। इसके पास कौन से अमीनो एसिड होने चाहिए? नॉन पोलर अमीनो एसिड होनी चाहिए। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो दिस E3, या इस तरीके से जब हम बात करते हैं कि दिस इज E3 टू लेके G22, E3 से लेके G22 यहां तक बात किया जा रहा है। तो नाउ अब आपके पास जो मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, दैट स्पैन का मतलब मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, दैट इज गावली IMP, ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन एंड प्रोलिन। इसमें जब हम बात करेंगे तो व्हेन यू टॉक अबाउट, देखिएगा कि ERBQLAHH हिस्टिडीन जो है आपके नॉर्मली ज़्यादातर पा जा रहे हैं इसमें, इस तरीके के केसेस में। और अगर जब आप इस चीज़ को देखोगे ना तो E15 यहाँ से लेके E15 ये वाला जो नंबर है, और उसके बाद A34 दिस वन, इनके केस में देखोगे तो ज़्यादातर आपके पास क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वही मिलेंगे हाइड्रोफोबिक वन। आपको काउंट करना होता कि इनमें से कितना नंबर पाया जा रहा है इन सब केसेस में, और सबसे ज़्यादा जो नंबर पाया जाएगा वो इन्हीं में है, E15 से लेके A34। तो यही जो होगा वो स्पैन करेगा किस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, यही जो है स्पैन करने वाला। इसमें देखिए आपका आई है, LII, फिर उसके बाद GV है, MA है, GV है, IGT, कितने सारे हैं इसमें, सारे के सारे, अब खुद देख लो, दैट मोस्ट हाइड्रोफोबिक शुड बी दिस वन, E15 टू लेके A34। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एंजाइमेटिक क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, पूरा का पूरा किस्सा जो है ये इन्वॉल्व हो सकता है, रेट कॉन्स्टेंट का प्रॉब्लम है। देखिएगा जब हम बात करते हैं द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबल इमोबिलाइज्ड वन, ठीक है, अगर हम सॉल्युबल इमोबिलाइज्ड वन नॉर्मली बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबल एंड इमोबिलाइज्ड एमाइलो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम इज दिस वन। ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, इमोबिलाइज किया इस पर्टिकुलर केस में, फर्स्ट ऑर्डर डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट है, एंड दिस इज 0.05 सॉल्युबल एंड इमोबिलाइज्ड, दिस इज फॉर सॉल्युबल वन, ये जो है ये है सॉल्युबल के लिए और ये है इमोबिलाइज्ड के लिए, इमोबिलाइज्ड के लिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो है कि द रेशियो ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द एंजाइम, द रेशियो ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम टू द दैट लाइक इमोबिलाइज्ड हाफ लाइफ ऑफ द इमोबिलाइज्ड एंजाइम टू दैट सॉल्युबल एंजाइम इज, रेशियो पूछ रहा है हाफ लाइफ का, ये दे दिया है, हाफ लाइफ इज नो दैट 0.693 डिवाइडेड बाई के, यू नो दैट कि 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है, यानी अगर इसको हम डिवाइड करें एक हाफ लाइफ दूसरे हाफ लाइफ से, तो ये जो है इमोबिलाइज्ड एंड सॉल्युबल के ऊपर बात करें तो देखो हाफ लाइफ ऑफ सॉल्युबल, हाफ लाइफ ऑफ सॉल्युबल इज इक्वल टू 1/k ऑफ सॉल्युबल, एंड हाफ लाइफ ऑफ इन इमोबिलाइज्ड शुड बी k ऑफ दिस वन, यही फॉर्मूला होने वाला है। इनवर्स रिलेशन है तो हमेशा उल्टा चलेगा, तो एग्जैक्टली वही चीज है, यहां पे देखेंगे तो देखिए टी हाफ ऑफ द सॉल्युबल एंड टी हाफ ऑफ द इमोबिलाइज्ड इज द के ऑफ इमोबिलाइज्ड डिवाइडेड बाय सॉल्युबल, सॉल्युबल डिवाइडेड बाय इमोबिलाइज्ड, तो के आई अपॉन एस हो जाएगा। वैल्यू पुट करना है आपको के ऊपर, जब हम बात करते हैं के आई जो हो जाएगा 0.03 एंड ये 0.005, व्हेन यू सॉल्व इट इट इज इक्वल टू द
सिक्स, इनमें क्या पूछा है दैट रेशियो ऑफ द हाफ इमोबिलाइज एंजाइम टू द सोल्यूबल, इमोबिलाइज टू द सोल्यूबल पूछ रहा है, इमोबिलाइज टू द सोल्यूबल नॉट सोल्यूबल टू द इमोबिलाइज, हम सोल्यूबल टू इमोबिलाइज किए हैं जबकि इस रेशियो को चेंज करेंगे इमोबिलाइज टू द सोल्यूबल करेंगे तो ये हो जाएगा के एस डिवाइडेड बाई के आई, सोल्यूबल अपॉन इमोबिलाइज, तो यहाँ पे सोल्यूबल इमोबिलाइज किया और सॉल्व किया, इस तरीके से चेंज आ जाएगा, रेशियो को बस इंटरचेंज किया यहाँ पे और कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन सॉल्व इट। अगेन एक प्रॉब्लम आता है एंजाइम्स रिलेटेड, देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल से, कंसीडर अ सिंपल यूनिसबस्ट्रेट एंजाइम, यूनिसबस्ट्रेट एंजाइम फॉलोज द माइकलिस मेंशन काइनेटिक्स, व्हेन द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन वॉज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ 10 नैनोमीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिबिटर, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द मैक्सिमल वेलोसिटी, हाउ एवर द स्लोप ऑफ लिनवेवर बर्क प्लॉट इंक्रीज्ड थ्री फोल्ड, द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एंजाइम इनिबिटर इन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स दैट इज के आई पूछ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है आई का, ये बोल रहा है कि नो चेंज इन मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वी मैक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये कैसा इनिबिटर होगा वी मैक्स में जिसमें चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, ये शो करता है कि दिस इज अ कॉम्पिटेटिव इनिबिटर जिसका के एम चेंज हो रहा है, वी मैक्स नहीं हो रहा, के एम तीन फोल्ड हो जा रहा है, तीन गुना बढ़ जा रहा है KM। अगर आप देखेंगे कि एंड इज नो दैट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान देने की कोशिश करिएगा, लिनवेवर बर्क प्लॉट अगर आपको पता है इस तरीके का प्लॉट होता है और ये जो होता है इस तरीके से मिलता हुआ यहां पे आता है, इस चीज में देखते हैं तो देखिए ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है कोई फर्क नहीं पड़ रही है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी वहीं पे है लेकिन स्लोप जो है वो थ्री फोल्ड हो जा रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा होगा के एम, क्योंकि आपको पता है कि के एम अपॉन वी मैक्स होता है स्लोप, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या बढ़ के इसको तीन फोल्ड कर रहा होगा, के एम इंक्रीज हो गया और कितना इंक्रीज हुआ, थ्री टाइम्स इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो तीन फोल्ड बढ़ जा रहा है इनिबिटर के प्रेजेंस में। तो ये देखिए कि ये वी मैक्स कॉन्स्टेंट होगा वन अपॉन वी मैक्स, तो कैसा इनिबिटर लग रहा है, दिस शुड बी द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ये कैसा है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, तो इनिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने दे दिया है दैट इज 10 नैनोमीटर, इनिबिटर जो है वी मैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है तो दिस शुड बी कॉम्पिटिटिव वन, स्लोप इंक्रीज थ्री फोल्ड दैट मीन्स के एम इज इंक्रीज थ्री फोल्ड, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, तो एज यू नो दैट कि के एम बढ़ेगा, मतलब के एम अपेरेंट शुड बी द अल्फा इंटू के एम, यानी अल्फा इज इक्वल टू के एम अपेरेंट डिवाइडेड बाय के एम, यानी अल्फा इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि के एम अपेरेंट इज द थ्री इंटू के एम डिवाइडेड बाय के एम के एम कैंसिल, अल्फा की वैल्यू थ्री आ गई, एंड इज यू नो दैट अल्फा, एज यू नो दैट अल्फा की वैल्यू होती है वन प्लस आई अपॉन के आई, इस वन को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आई अपॉन के आई जो है दैट शुड बी अल्फा माइनस वन, के आई को इधर भेजो अल्फा माइनस वन को इधर भेजो तो ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा दैट के आई इज इक्वल टू आई अपॉन अल्फा माइनस वन, दिस इज द कर्स सी। अब सीधा सीधा फॉर्मूला आपका यहां पे आ गया, के एम अपेरेंट इज इक्वल टू के एम वन प्लस आई अपॉन के आई, वही चीज है, के एम अपेरेंट अपॉन के एम दैट शुड बी थ्री वन प्लस आई अपॉन के आई, वन को इधर भेजा तो दैट शुड बी टू, दैट यहां पे है अल्फा माइनस आई बाई टू हो जाएगा, यहां पे केस अल्फा है आई, अल्फा की वैल्यू है थ्री, यहां पे देखिए थ्री, तो वी कैन से दैट कि इस इक्वेशन को और मोल्ड करेंगे अगर इसके अकॉर्डिंग तो के आई इज इक्वल टू आई बाई टू, थ्री माइनस वन दैट शुड बी आई बाई टू, ये आ गया। तो सिमिलरली आई का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 नैनोमीटर एंड दिस शुड बी द 5 नैनोमीटर फॉर के आई, सॉल्व करोगे तो यही चीज है और कुछ नहीं है। आपको पता करना था इस क्वेश्चन में कि इनिबिटर क्या है, इनिबिटर है कॉम्पिटेटिव, यूनिसबस्ट्रेट था, आई का कॉन्सेंट्रेशन है दिस, दिस इज कॉम्पिटेटिव, के एम कितना बढ़ा, के एम बढ़ा तीन बार, तो अल्फा की वैल्यू हो गई तीन, क्योंकि के एम अपेरेंट अपॉन के एम ये तीन हो गई, अल्फा आई अपॉन वन, अल्फा वन प्लस आई अपॉन के आई होता है तो वन को उधर किया तो वन आई अपॉन के आई जो हो जाएगा टू हो जाएगा, के आई विल गो आई के आई विल बी आई बाई टू, और आई की वैल्यू टेन दिया हुआ है तो के आई की वैल्यू फाइव नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो सो दिस इज द केस जो कि यहां पे आ रहा है।
अगेन एक प्रॉब्लम है एंजाइम का, अगेन दिस इज लाइक एंजाइम के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, यू कैन सॉल्व दिस वन. द स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछा गया, द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन द क्रूड एक्सट्रैक्ट ऑफ द ई कोलाई 9.5 यूनिट्स पर एमजी ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है. स्पेसिफिक एक्टिविटी इंक्रीज 68 यूनिट्स पर एमजी ऑफ प्रोटीन अपॉन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. व्हाट शुड बी द फोल्ड प्यूरिफिकेशन इज, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन. फोल्ड प्यूरिफिकेशन, बिफोर प्यूरिफिकेशन एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन कितना था वही बात की जाती है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें फोल्ड प्यूरिफिकेशन की बात की जा रही है. व्हाट इज फोल्ड प्यूरिफिकेशन? फोल्ड प्यूरिफिकेशन फाइनल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल स्पेसिफिक एक्टिविटी. ठीक है, ध्यान देना कि व्हेन यू टॉक अबाउट फोल्ड प्यूरिफिकेशन, फोल्ड प्यूरिफिकेशन जो होता है, फोल्ड प्यूरिफिकेशन इज लाइक स्पेसिफिक एक्टिविटी फाइनल कितना था एंड डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था स्पेसिफिक एक्टिविटी. दिस इज द केस हियर, ये जो है यहां पे पूछा जाएगा. सो एग्जैक्टली ये चीज चलती रहती है. स्पेसिफिक एक्टिविटी इनिशियल जो था 9.5 था, फाइनल ये था, डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 7.6. जस्ट अ सिंपल रेशियो. ठीक है, सीधा सीधा 68 डिवाइडेड बाई 9.5 करना था, आंसर आपका आ जाना था. एक और क्वेश्चन देखिए एंजाइम का, अगेन बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है. देखिएगा एंजाइम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. इन एन ए से दे आर आस्किंग हियर, जब हम बात करते हैं तो इन एन ए से द टाइप 2 डिहाइड्रोक्यूनेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास 18 किलो डाल्टन, इट फाउंड टू बी द वी मैक्स इज दिस पर्टिकुलर माइक्रोमोल पर मिनट. व्हेन 1.8 माइक्रोग्राम ऑफ द एंजाइम इज एडेड टू द एसे मिक्सचर, इफ द केएम ऑफ सबस्ट्रेट इज 25 माइक्रोमोलर, के कैट बाई के एम विल बी. यानी कि आपको के एम दिया है, के कैट कैलकुलेट करना है, तभी के कैट इस चीज पे आ सकते हैं. अगेन यू हैव टू गो फॉर गिवन वन. आपके पास गिवन क्या क्या है, के कैट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं. सॉल्व कराया हुआ है, एंजाइम का प्रॉब्लम है. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये चीज. दिस इज लाइक एंजाइम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ध्यान देना कुछ कुछ चीजें. जैसे के कैट जो होता है ना, के कैट इज वेलोसिटी इन माइक्रोमोल पर मिनट, वेलोसिटी इन माइक्रोमोल पर मिनट डिवाइडेड बाय एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इन माइक्रोमोल. ये जो है माइक्रोमोल पे ये के कैट का होता है. अब एंजाइम इन माइक्रोमोल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 10^6 जो होता है ये केस हो जाएगा. ठीक है, 10^9 नॉर्मली जो है कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इस तरीके की चीजें जो है इन्वॉल्व हो जाएंगी. तो देखिएगा यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या हो रहा है कि माइक्रोमोलर में जा रहे हैं, मोल को लेके हम माइक्रोमोलर में कन्वर्ट करेंगे. सो हियर इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन मॉलिक्यूलर मास 18 किलो डाल्टन, दैट शुड बी इट इज 18 kg, या वी कैन से दैट 18 × 10^3 ग्राम. वी मैक्स इज 0.0134 माइक्रोमोल पर मिनट, ये हमारा जो यूनिट चाहिए वो दिया हुआ है, कोई छेड़खानी नहीं करनी इसमें. एंजाइम 1.8 माइक्रोग्राम है, 1.8 माइक्रोग्राम है, मतलब दिस इज 1.8 × 10^-6 ग्राम. ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट किया. के एम शुड बी लाइक ये जो है आपका 25 माइक्रोमोलर, ये केएम माइक्रोमोलर है, कोई छेड़खानी नहीं करनी, माइक्रोमोलर में ऑलरेडी है. अब ये माइक्रोग्राम में दिया है, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर उसको 10^6 पे लेके जाओ, या फिर आप डायरेक्टली माइक्रोग्राम की यूज करो. अगर वेट ग्राम में यूज करोगे तो 10^6 का मल्टीप्लाई करोगे, और अगर यहाँ पे वेट जो है माइक्रोग्राम में ही है तो वेट अपॉन माइक्रोग्राम इनटू द मॉलिक्यूलर वेट कर लो, दिस शुड बी इन माइक्रोमोल. तो एग्जैक्टली वही चीज करना है. पहले ईटी कैलकुलेट करते हैं, ईटी कैलकुलेट करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट इज 1.8 × 10^-6 ग्राम इंटू 18 × 10^-3, ये है 10^-10. 10^-10 का जो केस है, दिस इज द केस हियर. ये जो पूरा का पूरा किस्सा है इन्वॉल्व हो गया. जब इस केस में आपने क्या किया कि यहां पे 10^-6 है, ये ग्राम है, ये है, ये मोल में है. इसमें जब ऑब्वियस ही बात है कि आप मिली मोल में लेके जाएंगे, इज अ केस लाइक आप इसको मिली मोल में लेके जा सकते हैं, मिली मोल में कन्वर्ट, माइक्रोमोल में कन्वर्ट करेंगे तो 10^6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 10^-4 माइक्रोमोल. इस तरीके का केस आएगा.
व्हेन के कैट इज इक्वल टू दिस वन माइक्रोमोल पर मिनट, रखा इसको इतने माइक्रोमोल पर मिनट को, इससे सीधे सीधे डिवाइड कर दिया इस पर्टिकुलर को, तो ये क्या है के कैट की वैल्यू आ जाएगी माइक्रोमोल में, माइक्रोमोल में यहां पे रखना है, ठीक है। सो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसानी से सॉल्व करते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, देखिएगा मैं यहीं पे बता रहा हूं इसी चीज को, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए 1.8 माइक्रोग्राम इज द एंजाइम अमाउंट, दिस इज द वेट, मॉलिकुलर वेट इज दिस 18 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम, ये है। सो मोल इज व्हाट, मोल के ऊपर बात करेंगे या माइक्रो मोल के ऊपर बात करेंगे, तो 1.8 माइक्रोग्राम डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 टू पावर 3, ये जब सॉल्व करेंगे तो दिस शुड बी लाइक 10 टू पावर माइनस 4 माइक्रो मोल, ये हो जाएगा किसका, ई का कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट अबाउट वी मैक्स, वी मैक्स दे हैव गिवन 0.0134 माइक्रोमोल पर मिनट, माइक्रोमोल पर मिनट। नाउ व्हाट इज के कैट, जब हम के कैट के ऊपर बात करते हैं तो दिस इज माइक्रोमोल पर मिनट जो है वी मैक्स डिवाइडेड बाई ई टी, वी मैक्स डिवाइडेड बाई ई टी के ऊपर जब हम बात करेंगे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा कि 0.0134 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर माइनस 4, जब इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, तो हम इसको ये इस तरीके से कह सकते हैं कि 1.34 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 6, ठीक है, सॉरी ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर 4 में, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या करेगा कि ऊपर जाएगा के कैट टर्नओवर नंबर में, तो ये इन सारे के सारे चार वैल्यूज को खा जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 134, दिस इज पर मिनट, ये आ जाएगा, क्योंकि ये माइक्रोमोल और ये माइक्रोमोल कट जाएंगे और पर मिनट बचा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द के कैट वैल्यू, के कैट वैल्यू जो है आपका पर मिनट के केस में आ गया। नाउ के कैट बाई के एम के ऊपर बात करते हैं, दैट ये किस केस में, ये आ गया इस केस में, तो दैट इज लाइक अगर हम इस केस को जब हम बात करेंगे, तो दैट के कैट 134 डिवाइडेड बाई के एम 25 माइक्रोमोल, सॉल्व करेंगे इस चीज को, तो दिस इज लाइक यहां पे माइक्रोमोल की बात आ रही है, ठीक है, माइक्रोमोल की बात आ रही है, तो यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। सो यहां पे इन्वॉल्व होगा बेसिकली माइक्रोमोल, तो जब माइक्रोमोल के ऊपर बात करेंगे, तो यहां पे ये है 25 माइक्रोमोल, मतलब 10 टू पावर माइनस 6 मोलर, ये केस रखेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग अबाउट 10 टू पावर माइनस 4 8.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, इस तरीके के केस पे आज जो है आपका आ जाएगा। अब ये क्या है कि यहाँ पे एक बार मैंने 60 का इन्वॉल्वमेंट किया है, यहाँ पे अगर आप 60 के ऊपर जब बात करेंगे, तो 60 जब एक माइक्रोमोल पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किया गया है, जो कि जरूरत भी नहीं होती, जरूरत होती भी है नहीं भी होती, तो उस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन एंजाइम का और भी आ रहा है यहाँ पे, दैट अगेन जब इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, तो एंजाइम के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, द सिंगल सब यूनिट ऑफ एंजाइम कन्वर्ट्स 420 माइक्रोमोल ऑफ द सबस्टेट इनटू द वन मिनट, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन दिस कैटल, अगेन दैट यू एज यू नो दैट अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करें, तो एक्टिविटी ऑफ कैटल में मोल्स पर टाइम इनटू द सेकेंड होता है, मोल्स लाइक पर सेकेंड, 420 माइक्रोमोल को कन्वर्ट किया, 420 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो दिस शुड बी लाइक इतना जो है ये कैटल के फॉर्म में आ जाएगा। नाउ इंटरनेशनल यूनिट जो है 6 इंटू 10 टू पावर लाइक ये जो होता है 10 टू 7 मल्टीप्लाई कर 4 लीक्स में करो, और बेसिकली क्या होता है कि कैटल में आपने ये एक्टिविटी को कर लिया, एक्टिविटी जो एंजाइम का कैटल में बताना है, तो 10 टू पावर माइनस 6 के फॉर्म में आपने कर दिया 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। अगर आपको इंटरनेशनल यूनिट में चाहिए तो आप उस तरीके से भी जा सकते हो, या ये देख सकते हो कि 420 जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है एक मिनट में, तो उससे भी आप डिवाइड कर सकते हो, या इस तरीके से डिवाइड करेंगे, एज यू नो दैट कि ये क्या है, एज इंटरनेशनल यूनिट को अगर हम बोला जाए, तो दिस इज माइक्रोमोल पर मिनट, कितना दिया हुआ है 420 माइक्रोमोल पर मिनट, दिस इज इंटरनेशनल यूनिट। एज यू नो दैट
कैटल जो होता था, वन कैटल इज इक्वल टू दैट 420, ठीक है, इतना वन कैटल जो होता था दैट 6 × 10⁻⁶ जो है, 6 × 10⁻⁷ इंटरनेशनल यूनिट ये होता है नॉर्मली। अब ये जब हम बात करते हैं कि इतना केस में हो रहा है, तो ये कैटल के ऊपर बात की जा रही है, कैटल इन कैटल में पूछ रहा है। जब कैटल में पूछ रहा है तो दिस इज द केस जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ये कैटल में पूछ रहा है कि इंटरनेशनल यूनिट जो इस तरीके से इन्होंने निकाला है, हम इस ये भी पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल यूनिट और कैटल का रिलेशन, तो उसमें डिवाइड कर लेंगे इस वैल्यू से, तो आपका कैटल में आ जाएगी वो वैल्यू कि कितना कैटल आना चाहिए, या आप इस माइक्रोमोल को कन्वर्ट कर दो सीधे सीधे इस फॉर्म में मोल पर सेकेंड में। 420 को 10⁻⁶ से कर दिया तो ये हो जाएगा मोल, और नीचे मिनट को कर दिया सेकंड से तो ये हो जाएगा मोल पर सेकंड, कैटल आ गया। तो दिस इज 420 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 60। सॉल्व करोगे तो 7 × 10⁻⁶ जो है वो बचेगा, 10⁻⁶ दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको यहां पे बस लिखना था 7, ठीक है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आ जाता है इस पर्टिकुलर इसमें, देखिएगा दिस वन एंजाइम का क्वेश्चन है, इनहिबिटर का क्वेश्चन है, अगेन एंजाइम इनहिबिशन का क्वेश्चन है। व्हेन यू टॉक अबाउट द एंजाइम इनहिबिशन, KIF द नॉवेल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिजाइंड अगेंस्ट दिस एंजाइम इज 2.5 माइक्रोमोलर, KI दे दिया है। एंजाइम वॉज एसेड इन द एबसेंस एंड प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर 5 माइक्रोमोलर, जो इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन है 5 माइक्रोमोलर दे दिया है। The KM in the presence of inhibitor was found 30 micromolar and KM in the absence of inhibitor आपसे पूछा जा रहा है। Now this is a very simple, ये आपको यहाँ पे दे दिया है KI that is 2.5, I 5 micromolar, KM in the presence is 30, KM जो है presence में दे दिया है, absence में पूछ रहा है। So first of all you have to calculate the alpha value that is 1 plus I upon KI. When you solve it, 1 plus I की value 5, KI की value 2.5. This should be like 7.5 divided by 2.5 and that is 3. Alpha ki value is 3 here. As you know that Km apparent is equal to Km into alpha. Km calculate karna hai, to Km should be Km apparent should divided by alpha. Km apparent is 30, alpha ki value 3 hai, that should be 10 micromolar. This should be the value of KM, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, होप कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।